तो हम इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि कई लोग इसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश कर रहे। धार्मिक एंगल मैं तो बोल रहा हूँ, ड्रग जिहाद है ये। जी जी, आप अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो मैं बोलूंगा ड्रग जिहाद है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इनको ना इस देश का पता है ना इस्लाम का पता है, ये नचनिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनके ऊपर 10 पैसे फेंको सड़क पे और ये बढ़िया नाचेंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं है साहब। ये इसी तरीके की बातें करेंगे, कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जो, मैं बोलता हूँ एक भी फैमिली वाले मुसलमान के मुंह से, उसके माँ बाप के मुंह से आप ये निकलवा दीजिए कि उसका लड़का चल करके आगे ड्रग ले, कोई मुसलमान नहीं बोलने वाला है। ये केवल मौलाना बोलेंगे और शाहरुख खान जैसे दो कौड़ी के नचनिये बोलेंगे। ये फिल्म वाले पर्दे पे शोहरत पाके काम करके पैसा करके अपने आप को इस देश से ऊपर, यहाँ की जनता से ऊपर, यहाँ की परंपराओं से ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं और उल्टी सीधी बकवास और बिहेवियर शुरू कर देते हैं। तो इस देश की जनता, इस देश का संविधान, इस देश की परंपराएं आपको डाउन करना, आपकी चर्बी उतारना भी जानती है। अगर नहीं है तो याद कर लो संजय दत्त को, याद कर लो सलमान खान को। बेहतर है कि दूसरा संजय दत्त और सलमान खान बनने से बेहतर है देश की जो परंपराएं हैं उसका सम्मान करें। जी बिल्कुल 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 मिश्रा जी, मैं एके मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक है। मिश्रा जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि इस मामले को जिस तरह से बॉलीवुड और ड्रग्स, ये कनेक्शन, ये कॉकटेल किसी से छिपा नहीं है। पहले भी बड़े बड़े नाम इस ड्रग्स को लेते हुए पकड़े गए हैं और कईयों को सजा भी हुई है इस मामले में। लेकिन अब जिस तरह से एनसीबी सक्रिय हुई है, चाहे सुशांत के मामले से हम ले लें, और इस तरह के समीर वानखेड़े जब से आए हैं एनसीबी में, तब से जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर एक खलबली मच गई है, और उसके बाद जिस तरह से हम देखते मामला आता है और जो एक गैंग है वो सक्रिय हो जाता है और इसको कोई दूसरा ही रंग देने की कोशिश की जाती है ताकि आपका असल मुद्दे से ध्यान भटका दिया जाए, क्या ये कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए जो सबसे बड़ा प्रश्न इस पूरे मुद्दे में है वो ये है कि आर्यन खान को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो खान है, मुसलमान है। महबूबा मुफ्ती भी यही बोल रही है और भी कई लोग, नवाब मलिक वगैरह, आपने बताया। तो मैं ये बोलूंगा कि इसके पहले सलमान खान भी कुछ इसी तरीके की कॉन्स्पिरेंसी में फंसे थे तो उनको अकल आ गई। उसके बाद फरदीन खान भी ड्रग केस में फंसे थे। और रही बात अगर ये खान और मुसलमान की बात है तो संजय दत्त तो मेरे ख्याल से नाम से तो वो मुसलमान नहीं है, लेकिन सरकार उस वक्त किसी की भी रही हो, लेकिन अगर राष्ट्रद्रोही, ड्रग को भी मैं राष्ट्रद्रोही मानता हूँ, एक्टिविटी मानता हूँ, तो संजय दत्त कोई मुसलमान तो नहीं था। रही बात अगर नवाब मलिक और महबूबा मुफ्ती को इतना शौक है तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ जिहाद का कॉन्सेप्ट है, ड्रग जिहाद भी एक लेटेस्ट टाइप का कॉन्सेप्ट है। ये हर तरीके से, स्पेशली देखिए नॉर्मल जो परमिसेबल जो नशे हैं वो ठीक है, लेकिन ड्रग्स लेना, एलएसडी लेना, अफीम लेना, कोकीन या इसमें शामिल होना कोई बच्चा नहीं है। ये राष्ट्रद्रोह के उसमें कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। चाइना को 100 साल इन्हीं सब चीजों में डाल करके ब्रिटेन ने उसको बढ़ने नहीं दिया था, ये इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि वो खान है, वो मुसलमान है, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई ये भी एक ड्रग जिहाद है जो आपने नया शुरू किया है, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप अपने गिरेबान में झांकिए। रही बात बॉलीवुड, केवल ऐसा नहीं है कि वो कंज्यूम करते हैं, आदमी ले करके अपना कंज्यूम करे, दिन भर पड़ा रहे, वो बात तो दूसरी है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो सेंटर है, ट्रेडिंग सेंटर है, जैसे सेंसेक्स जिस मार्केट में है, जहां पे बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट वगैरह, वहां से पूरे देश की मार्केट और बिजनेस अफेक्ट होती है सुबह। ये वहां पे जो लोग हैं वो सैकड़ों और लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, नशे का आदी बनाते हैं। क्योंकि इनके पास पैसा होता है, शोहरत होती है, तो इनके लिंक नेशनल इंटरनेशनल पे, वो एक होलसेल मंडी के रूप में वहां कन्वर्ट हो जाता है। इनके घर, इनके पॉकेट जो है वो गोडाउन की तरह यूज किए जाते हैं। क्या हम इसको ऐसे भी नहीं देखें? सीरियस मैटर है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि स्टार जो होता है, एक सितारे जो होते हैं, बड़े बड़े सितारे, उनको देश फॉलो करता है। और आपने देखा होगा हमारे पास तस्वीरें आती रहती है, हमारे सामने तस्वीरें आती रही, हमारे सामने तस्वीरें आती है कि किस तरह से ड्रग कंज्यूम किया जा रहा है। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू था, हमने सुना था, वो तो कहते कह रहे कि मैं बहुत अर्ली, बस एक मिनट, आपने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। दो इंटरव्यू मैंने भी देखे, एक तो ये है जिसमें वो शाहरुख खान बोल रहा है कि मेरा लड़का कुछ भी करे, ये सब जानते हैं। एक इंटरव्यू मैंने और देखा था जो बड़ा दुख हुआ, एक बार शाहरुख खान कहीं बैठा हुआ था, ऑडियंस थी, एक बड़ा सामान्य सा आदमी शर्ट पैंट पहन के उसने पूछा कि सर तीनों खान को अगर फिल्म में ले ले तो, इतने घमंड से शाहरुख खान ने बोला था, बोला बेटे ले सकते हो तो ले लो, चड्ढा बनियान बिक जाएगा। ये फिल्म वाले पर्दे पे शोहरत पाके काम करके पैसा करके अपने आप को इस देश से ऊपर,
यहाँ की जनता से ऊपर, यहाँ की परंपराओं से ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं और उल्टी सीधी बकवास और बिहेवियर शुरू कर देते हैं। तो इस देश की जनता, इस देश का संविधान, इस देश की परंपराएं आपको डाउन करना, आपकी चर्बी उतारना भी जानती है। अगर नहीं है तो याद कर लो संजय दत्त को, याद कर लो सलमान खान को। बेहतर है कि दूसरा संजय दत्त और सलमान खान बनने से बेहतर है देश की जो परंपराएं हैं उसका सम्मान करें। जी बिल्कुल 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 मिश्रा जी। तो हम इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि कई लोग इसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल देने की। धार्मिक एंगल मैं तो बोल रहा हूँ, ड्रग जिहाद है ये। जी जी, आप अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो मैं बोलूंगा ड्रग जिहाद है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अदानी पोर्ट वाला जवाब मिल गया होगा, मौलाना साहब को भी मिल गया होगा। मिश्रा साहब कुछ जवाब देना चाह रहे थे, उन्होंने उंगली उठाई थी उस पर। मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे थे अदानी पोर्ट पे, मिश्रा जी भी कुछ प्रकाश डालना चाह रहे। जी मिश्रा जी, देखिए इनको प्रोसीजर का पता नहीं है। पहली चीज मैं ये बताऊं, जो पोर्ट होता है पूरा अपने आप में एक सिस्टम होता है, एक इंडिविजुअल आदमी वहां पे नहीं है। अडानी के घर अडानी के जेब से तो नहीं मिला है। रही बात जो ये बोल रहे हैं आर्यन खान का साहब, 120 करोड़ की जनता में किसी अपराधी को हमारा सिस्टम आज कैसे पकड़ ले रहा है? पहले से ट्रैकिंग होती है, पहले से उनके पास खबर थी, इसलिए हजार कमरों की तलाशी लेना जरूरी नहीं है। पिन पॉइंटेड निगाह रखा जा रहा था, वो चीज वहां पे जमानत हुई। सुनिए, वहां पे आपके पास वहां पे वो चीजें जब्त हुई, वहां पे वो चीजें जब्त हुई। और सुनिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आपको ऐसी खबरें थी, क्या है क्या नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, दरिया दिल आदमी थे, एक बहुत बड़े नेता के, जो आज युवराज अपने आप को बोलते हैं, अमेरिका पे छुड़ाया था। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना नहीं है। अब यहाँ पे कोई ऐसा बैठा हुआ है ना जो इतनी दरिया दिली नहीं दिखाएगा देशद्रोह के मामले में। ये ड्रग का मामला नहीं है, ये देशद्रोह का मामला है। माननीय आधार पे सरकार या माननीय न्यायाधीश सोचेंगे, सोच सकते हैं, लेकिन गुंडे ही दिखा के अगर आप ये बोलोगे, आरोप लगा के बोलोगे और एक तरफा ये बोलोगे कि वो मुसलमान है तो उसको छोड़ दो, उसके साथ ये नहीं होगा। एड़िया एड़ी चोटी एक कर लीजिए, नहीं होगा। न्याय भारतीय संविधान के हिसाब से चलेगा। माननीय जज साहब अपने अपने हिसाब से अपने विवेक से निर्णय लेंगे। आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है सर। संजय जी मेरा आपसे सवाल है, संजय जी आपसे सवाल है। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने कहा कि अडानी का नहीं पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, लेकिन एक कोई व्यक्ति जिसका पकड़ा गया उसके समर्थन में आपके उतरे हैं। कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल दबाव बनाया जा रहा है, शिवसेना पर इंटरनेशनल दबाव बन रहा है, इसलिए इस मामले को आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंटरनेशनल दबाव है कोई शिवसेना के ऊपर, शिवसेना सरकार के ऊपर? जी सुनील जी, बात सुन, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने पहला शब्द इस्तेमाल किया था बाला साहब ठाकरे और शिवसेना ऐसे राष्ट्र जो भी दस धंधा करते हैं। बाला साहब के सिद्धांतों को क्यों मतदान करते हैं? आज शिवसेना में उनके नाम लेने लायक नहीं है। आप लोगों ने उनके सिद्धांतों को भेद चढ़ा दिया है। विपक्ष के लोगों को क्यों देते हैं? इधर वो फंडिंग हमें देते हैं इसलिए हमने पकड़वा दिया उनको, तो हमें फंडिंग देने आप लोग पकड़वाते रहेंगे? आप फंड नहीं ले रहे क्या? सरकार की जिंदगी में परमानेंट आपकी सरकार रहेगी क्या देश में? क्या सरकार बदलती नहीं है? ये घमंड किस बात है? घमंड है इस बात का? आतंकवादियों से फंड आप लोग लेते हो सीमा पार से, सीमा पार के आतंकवादियों से, देशद्रोहियों से और दुनिया भर के ड्रग डीलर से फंड आप लेते हो। नहीं किया था शिवसेना ने, गठबंधन नहीं किया था शिवसेना, गठबंधन नहीं किया पीडीपी से, जिनका जवाब बिना टेस्ट आ रहे थे सर। शिवसेना ने पीडीपी से गठबंधन नहीं किया, लेकिन एक ऐसी पार्टी से तो गठबंधन कर लिया जिसके बारे में बाला साहेब ठाकरे क्या कहते थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया आपको। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा उस दर पर, और आपके उद्धव ठाकरे जी वहां चले गए। उन्होंने कहा जिसको गठबंधन करना है वो मातोश्री आएगा, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि मातोश्री से निकल कर कोई कहीं गया गठबंधन के समर्थन नाम ने। हुआ है जी, मंत्री बना शिवसेना का, परिवार का मुख्यमंत्री बना, इतिहास में हुई पहली बार धर्म करिए। जो परिवार मुख्यमंत्रियों को उंगलियों पे नचाता था, अपने दरबार में बैठा के रखता था, वो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तरस रहा है। अरे शर्म करिए सर, बाला साहब जी के सिद्धांतों को तो जिंदा रखा होता आपने। सब सब जिंदा है, बिल्कुल जिंदा नहीं है। चलिए 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 हम बहस में आगे बढ़ते हैं, बहस में आगे बढ़ते हैं। संजय जी, संजय जी मैं उम्मीद करूंगा कि आप तथ्यों पर जवाब दे, प्रश्नों पर जवाब दे।
एक अधिकारी की जासूसी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? अगर वो एनसीबी का अधिकारी कार्रवाई कर रहा है, ड्रग के रैकेट का खुलासा कर रहा है, इस देश की जड़ों को खोखला करने के लिए अगर कहीं से ड्रग्स आ रहा है और उसकी जड़ों तक पहुंचने का अगर वो काम कर रहा है तो उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहा है कि मेरे अधिकारियों को ट्रैक किया जा रहा है, मुझे ट्रैक किया जा रहा है, और फिर अगर पकड़ा जाए तो फिर उसे आप धर्म का एंगल दे दीजिए। और कांग्रेस की ओर से तो कहा गया कि इस मामले में ये मुसलमान है इसलिए फंसाया जा रहा है। अभी एक वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, इसी पर बहस जारी है। सवाल देश का है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल VK News, राष्ट्र के नाम। तो क्या ये इसमें आपको इंटरनेशनल साजिश भी दिखती है कि वहां जानबूझकर उन लोगों को कंज्यूम करने करके इस तरह? पहले हम देखा, अभी हालांकि कार्रवाई होने लगी है, पहले तो खुले हम वीडियो डाल देते थे स्टार्स अपने, और इंटरव्यू में तक कहते थे कि मेरा बेटा तो जल्दी से ड्रग ले, ये मैं चाहता हूं, ड्रग्स खुलेआम शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो क्या आप इस विचार को देखते हैं जो मैं कह रहा हूं? जब से इंडिया में सिनेमा आया, स्पेशली ईस्टमैन कलर की जी, और सिनेमा की पॉपुलैरिटी बढ़ी ना, इसने इतना ज्यादा आइडियोलॉजिकल हमको डेंट किया है, हमारे देश को, युवाओं को, कई पीढ़ियों को, 2-3 पीढ़ियों को। अब एक एक्टर ये बोल रहा है कि मेरा लड़का ये करे ये करे ये करे, समाज में घर में ऐसी बातें, कौन सा बाप ऐसा होगा जो ये बोलेगा? तो ये एक्टर नहीं है, साथ में बैठी हाँ सुनिए हाँ ये एक्टर नहीं है, ये भाण है, ये नचनिया है, जिनको 10-10 पैसे फेंक के जिनका तमाशा हम लोग देखते थे। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए रोल मॉडल कौन है। हमारे पास बहुत रोल मॉडल है, रामलीला में काम करने वाला एक कलाकार गाँव में इनसे ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज मैं बताऊं जी, एक छींक आने पे इन एक्टर्स की हालत ये होती है कि पूरी मुंबई की पुलिस या एकदम सर पे उठा लेते हैं कि पुलिस नहीं आई, ये हो गया वो हो गया। इतना प्रिविलेज अगर आप लेते हो तो अब आपकी हालत क्यों खराब हो रही है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक्टर हो, अपने आप को रोल मॉडल मनवा रहे हो, तो आप रोल मॉडल यहाँ के जो सम्मानित तरीके है उस हिसाब से मनवाइए ना, न कि आप ये प्रमोट करेंगे कि ड्रग लेना और ये करना। इन लोगों को तो बैन कर देना चाहिए। मैं देखिए सबसे बड़ा जो मैं मिश्रा जी मेरा जो कल्चरल पॉल्यूशन फैलाने का काम इंटरनेशनली, इसमें हम इसको इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनली इसलिए है क्योंकि पहले बहुत खबरें चली थी, आती रहती थी। आप ये देखो पिछले 10-20 साल से दुबई से सारा पैसा फिल्म में फाइनेंस हो रहा है। जब अगर दुबई से और अफगानिस्तान से इन सबसे फाइनेंस हो रहा है, पाकिस्तान से नंबर एक का नंबर दो करना, और ड्रग चूंकि जितने भी इलीगल काम होते हैं उसमें ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बड़ा कॉस्टली होता है, तो पैसे का लेन देन वहां पे ये सब करते थे। अच्छा यहां के देश की जनता को गुमराह करना, इनको अपने कब्जे में करना, कितने केसेस आए हैं फिल्म इंडस्ट्री के कि ड्रग में लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये ऐसा नहीं है। देखिए अगर अपने देश में ये होता ना तो हर गली मोहल्ले में इस तरीके से होता। पंजाब में ड्रग के मामले बहुत चले थे क्योंकि सीमा पार से सपोर्ट था। ये इतिहास है, ये हिस्ट्री है, ये साक्ष्य है। जहां जहां सीमा पार से इंटरनेशनल सपोर्ट है वहां वहां ड्रग का धंधा उस एरिया में बहुत तेजी से फलता फूलता है, क्योंकि इंडिया में ये बनता उनता नहीं है उतना। ये सब अफगानिस्तान वगैरह और कई जगह से होते हुए आते हैं बिना इंटरनेशनल कनेक्शन के। और इस केस में भी कोई एक लंदन में एक अड्डा या एक आदमी पकड़ा गया है जहां शाहरुख का बेटा जा करके लेता था। जी, ऐसी बातें आई है। तो इंटर हर ड्रग के केस में, चाहे संजय दत्त का मामला रहा हो, चाहे जिसका भी रहा हो, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कनेक्शन निकले हैं। तो ये इंटरनेशनल कार्टेल है जिसपे गहराई से पूछताछ जरूर होनी चाहिए। जी जी, और अगर हो रही है अभी तो क्योंकि वो अपने वोट बैंक के हिसाब से सिलेक्टिव हो जाती है और अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है, गाये बगाये वो नजर नहीं आता। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक है, देश के लिए भी खतरनाक है। खतरनाक हमेशा से रहा है, इतिहास में भी ऐसे ही। देखिए अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के टाइम पे मीर जाफर सबसे पहले सिलेक्टिव आदमी था, गद्दार, जिसके कारण यहाँ पे, और वो भी अंग्रेजों ने तो मुसलमानों की ही सल्तनत को खत्म किया ना। ड्रग की बात हो रही है, खान वगैरह सारे नाम आ गए। अरे भाई, ड्रग का दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार इस्लाम का पैरोकार, जो सबसे बड़ा पैरोकार है, तालिबान अफगानिस्तान में करवाता है। तालिबान खेती करवाता है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करता है, वहां पर इस्लाम इनके लिए हराम नहीं होता है। जरा ये लोग फतवा जारी करें ना, दारुल उलूम ये देवबंद वगैरह हैं, वो भी देवबंदी हैं जो अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान तो वहां नहीं करवा रहा है। जरा फतवा जारी करें ये तालिबान के खिलाफ कि ये गैर इस्लामिक एक्टिविटी है, ये इस्लाम से खारिज है।
केवल अपने बेनिफिट के लिए, जो ऐसे ऐसे उलेमा हैं जो अभी बैठे थे, मौलाना है, सवाल देश का नहीं है। देखिए हिंदुस्तान का तो ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। जो 20 करोड़ यहाँ पे अच्छे मुसलमान हैं, जो अच्छे अच्छा बनना चाहते हैं, उनकी जिंदगी इन्होंने हराम करके रखी हुई है अपने चंगुल में फंसा करके, वो निकलना चाहते हैं लेकिन ये उनको निकलने नहीं देना चाहते हैं। ऑक्टोपस की तरह जकड़ के इनको रखा हुआ है, लेकिन चेतना आ रही है। यहाँ का भी जो मुसलमान है जो आगे बढ़ना, कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जो, मैं बोलता हूँ, एक भी फैमिली वाले मुसलमान के मुंह से, उसके माँ बाप के मुंह से आप ये निकलवा दीजिए कि उसका लड़का चल करके आगे ड्रग ले, कोई मुसलमान नहीं बोलने वाला है। ये केवल मौलाना बोलेंगे और शाहरुख खान जैसे दो कौड़ी के नचनिये बोलेंगे, जिनको ना इस देश का पता है ना इस्लाम का पता है। ये नचनिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनके ऊपर 10 पैसे फेंको सड़क पे और ये बढ़िया नाचेंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं है साहब। ये इसी तरीके की बातें करेंगे। जो भी एक अच्छा इंसान है, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अपनी फैमिली के बच्चों को इस तरह से कभी भी फेवर नहीं करेगा, पब्लिकली या प्राइवेटली इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देगा। हम दूसरे के बच्चों को भी नहीं देते। हम अगर देख लेते हैं कोई सिगरेट पी रहा है तो उसके माँ बाप मारे या ना मारे, पड़ोसी पहले झापड़ मारता है कि तुम जो है बच्चे होकर के सिगरेट पी रहे हो। तो ये यहाँ का कल्चर रहा है, ये लोग नहीं समझेंगे इन चीजों को। इनके साथ वही होना चाहिए जो सरकार या न्याय तंत्र कर रहा है, उसमें ढिलाई नहीं। इतनी बदतमीजी और ढिठाई के ऊपर तो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर ये खड़े होके ये बोलते कि विक्टिम जो है उसने पहली बार किया है, उसको सुधारा जाए, रेदर देन कि उसको और कड़ी सजा दे करके उसको अब एक पक्का अपराधी बनाने से, देखिए सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। हमारे न्यायपालिका में भी हमारे जो माननीय जज हैं, सरकार है, इस चीज को मानती है, लेकिन इस तरीके की गुंडेगर्दी कि महबूबा मुफ्ती और ये सब बोल रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो इस पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई कम्प्रोमाइज, इस लेवल पे जा करके बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।